AEW ने आज ROH को खरीद लिया है एंड टोनी खान इसके अब ओनर बन चुके हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और अलेक्सा ब्लिस के फ्यूचर प्लान्स को लेकर बहुत सैड न्यूज़ है। मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आ चुकी है सामने और सेथ रॉलिंस ने उनका बेस्ट रेसलमेनिया मोमेंट किया है शेयर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देर नहीं करते। और शुरू करते हैं NXT के एपिसोड की रेटिंग्स के बारे में। तो इस हफ्ते की NXT की बहुत बुरी गाइस मतलब चीज़ें हैं एंड बहुत बुरी रेटिंग्स है और रेटिंग्स है 551K व्यूवर्स, 551K जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग रेटिंग्स है। शो अच्छा था लेकिन फिर भी रेटिंग्स तो ऊपर जा ही नहीं रही है, तो लेट्स सी क्या चीज़ें होती है और देखते क्या चीज़ें होती, लेकिन लेट्स सी आगे क्या चीज़ें होती है। एंड बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के बारे में। तो गाइस मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स सामने आ चुकी है और शो के क्या ही बात करें, क्या कमाल का शो था। एजेंट डेमियन प्रीस्ट का हील टर्न और गाइस बहुत बड़ी चीज़ें। एंड गाइस रेटिंग्स के अंदर इसके बाद इस बार भी डाउनफॉल आया है एंड जो रेटिंग्स निकल कर सामने आई है वो आई है इस बार गाइज 1.753 मिलियन व्यूवर, जो कि डेफिनेटली बहुत मतलब सही चीज़ नई है शो के ऊपर। नए यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन एज एंड एज एस का मैच कन्फर्म एंड बहुत बड़ी चीज़ें होती, लेकिन फिर भी रेटिंग्स कम है। तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या चीज़ें होती, लेकिन रॉकी और NXT की रेटिंग्स बहुत बुरी है। और बात करते हैं बैकी लिंच के बारे में। तो बैकी लिंच ने अपना फेवरेट रेसलमेनिया मोमेंट किया है शेयर एंड बैकी लिंच गाइस अपना रेसलमेनिया मोमेंट शेयर करती है एंड वो बात करती है कि जो रेसलमेनिया 35 का मेन इवेंट था बैकी लिंच वर्सेस चार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउसी विनर टेक्स ऑल, जिसके अंदर वो बन गई थी डबल चैंपियन, वही है बैकी लिंच का सबसे बेस्ट मोमेंट। वैसे ये सब विमेंस डिवीजन के अंदर ही बड़ी चीज़ थी, क्योंकि पहली बार विमेंस का कोई मैच रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहा है, उसके अंदर दोनों टाइटल जीतना ये किसी भी सुपरस्टार्स के लिए बड़ी चीज़ होती। तो बैकी लिंच का ये है फेवरेट रेसलमेनिया मोमेंट और ये चीज़ें बैकी लिंच रिवील करती है। एंड हम लोग बात करते हैं अलेक्सा ब्लिस के बारे में और ये वो अपडेट नहीं है। और गाइस अलेक्सा ब्लिस के गाइस मंडे नाइट रॉ जो था वो होम टाउन था और इसके अंदर अलेक्सा ब्लिस नहीं थी, तो फैंस ट्रेंड कर रहे थे वेयर अलेक्सा के रिगार्डिंग। और गाइस एक ट्वीट को हमें अलेक्सा ब्लिस रीट्वीट भी करते हुए दिखा देती है एंड वो ऐसे थिंकिंग मतलब उन्हें पता नहीं ऐसे इमोजी डालती है और वो लिखती है वेयर अलेक्सा। तो फैंस वैसे नाराज थे क्योंकि अलेक्सा ब्लिस के होम टाउन के अंदर वो रही, तो ये चीज़ है। और प्लान्स के बारे में भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे अब, लेकिन अब बात करते हैं सेथ फ्रिगन रॉलिंस के बारे में, जिन्होंने अपना फेवरेट रेसलमेनिया मोमेंट रिवील किया है। एंड ये था गाइज सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया 31 में अपना मनी इन द बैंक कैश इन करना। वो कहते हैं कि मैंने जब रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को हराया रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, वही मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट है और वो हिस्ट ऑफ द सेंचुरी था रेसलमेनिया के हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज़ थी एंड वो था बिगेस्ट मनी इन द बैंक कैश इन और वो है मेरा फेवरेट रेसलमेनिया का मोमेंट। तो गाइस ये यहाँ पर से बात है हमें रिवील करते दिखाई देते सत्रों से। आपका कौन सा फेवरेट रेसलमेनिया मोमेंट है आप लोग मुझे बताना कमेंट में। और हम लोग अब बात करते हैं अलेक्सा ब्लिस के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। तो गाइस इसके लेकर थोड़ी सैड न्यूज़ है एंड गाइस अलेक्सा ब्लिस के लिए रेसलमेनिया तक कोई प्लान्स नहीं है एंड मे बी अलेक्सा ब्लिस इस साल रेसलमेनिया का पार्ट नहीं हो सकती। एंड WWE फिलहाल न्यू टैलेंट्स पर, न्यू विमेंस टैलेंट पर फोकस कर रही है और गाइस यही वो रीज़न है कि अलेक्सा ब्लिस हमें रेसलमेनिया के अराउंड नहीं दिखाई देगी। PW इनसाइडर की ओर से रिपोर्ट आई है एंड अलेक्सा ब्लिस के लिए अभी स्टिल फिलहाल WWE के पास कोई प्लान्स, करंट प्लान्स नहीं है। अगर कोई मतलब अपडेट आती है, कोई प्लान्स चेंज होते हैं तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल करंट अलेक्सा ब्लिस के लिए प्लान्स नहीं। तो वैसे सैड न्यूज़ है, लेकिन लेट्स सी कब उनका यूज़ होता है, क्या पता रेसलमेनिया बैकलैश के अराउंड हो जाए। लेकिन हम लोग बात करते हैं AEW के बारे में। तो गाइस आज AEW के अंदर अपने जो टोनी खान है वो बड़ी चीज़ को अनाउंस करने वाले थे एंड वो अनाउंस करते हैं कि
AEW ने, यानी कि टोनी खान ने, AEW के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने गाइस नई एक ROH के साथ डील साइन की है, एंड उन्होंने ROH को खरीद लिया यानी कि रिंग ऑफ ऑनर को, एंड वो अब उसके ओनर बन चुके हैं। एंड AEW और AEW के मैनेजर मतलब चेयरमैन एंड गाइस जो टोनी खान है वो रिंग ऑफ ऑनर के भी ओनर बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, और आज की हमारी वीडियो बस इतनी सी थी। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।